निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरुवीशरूपं सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परम्परा। जारासंडी से अपने गांव से राजदूत मोटरसाइकिल में 8 बजे प्रस्थान किया, 10:30 बजे वहां परिवार से महाराज जी का दीक्षा देने कार्यक्रम समाप्त। मुझे कह दिया गया आप रिटायर, पर मैं मेरे मन में पता नहीं क्यों एक उत्सुकता थी या भगवान की कृपा, मैं माला तो रखा था महाराज जी पहनाऊंगा करके। मैं कहा माला पहना सकता हूँ? बोले हाँ। मैं माला लेके गया, मेरे पीछे पीछे मेरी पत्नी भी गई, गुरुदेव जी माला पहनाए, प्रणाम किए। तो बोले ये भी दीक्षा लेने आया क्या? गुरु जी ने पूछा। बोले हाँ। तो महाराज जी कार्यक्रम समाप्त हो गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया है, इतने दूर से आया है, हम दीक्षा देंगे। तत्काल मुझे दीक्षा मिल गई। अब इतने बड़ा, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति की एक उदारता, रामचरित मानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उदार नहीं हुआ तो रामचरित मानस से जुड़ा हुआ एक उदारता और देखा हूं। महाराज जी का विवेकानंद आश्रम रायपुर में आए थे कथा करने, और कथा समाप्ति के बाद उनको विदा करना था। विदा के बाद रेलवे स्टेशन तक गाड़ी गई आश्रम की, मैं भी वहां था, मैं भी गया आश्रम की गाड़ी में ही गया रेलवे स्टेशन है। अब उस जमाने में, आज के 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में गाड़ी कब आ रही है कब नहीं आ रही, कितना लेट है, ज्यादा कन्फर्मेशन नहीं होता था। तो महाराज जी गए तो मालूम हुआ गाड़ी 2 घंटे। अब महाराज जी वहां मोटर रेलवे स्टेशन में किसको कह के मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बिठाओगे? तो वो सीमेंट की जो सीट थी, कुर्सी बनती थी, उसी में महाराज जी बैठ गए। अब महाराज जी जब बैठ गए, देखो कितने सरल हैं। अब हम लोग जितने लोग थे, 8-10 लोग, हम लोग भी उसके सामने नीचे जब जमीन पे बैठ गए, ऐसा लगने लगा कि यही प्रवचन हो रहा है क्या। और उसके बाद स्टेशन मास्टर ने कहा, गौर किया, वो आए फिर महाराज जी को अपने साथ दिखा के ले जाकर के अपने। महाराज जी के बारे में ही कितने सरल थे। एक बात और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उन्होंने राम किंकर उपाध्याय ही लिखा अपने जीवन,
ना तो मानसकार लिखा, ना मूर्धन्य मानसकार लिखा, ये कोई ये यहाँ तक पद्म विभूषण मिलने के बाद भी उसके शिष्यों ने कहा पद्म विभूषित है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मैं पद्म। राम किंकर ही, अरे राम किंकर अपने आप में राम का किंकर, इसके बाद कौन सी डिग्री थी? और हम सब आज उनका झूठा बोलते हैं, जितने प्रवचनकार हैं भारत में सब उनका ही झूठा बोलते हैं। अगर वो अगर आज रामचरितमानस की व्याख्या नहीं करते तो हम लोग सब इतनी बढ़िया व्याख्या नहीं करते, उनकी देन है रामचरितमानस। और उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में, किसी ने पूछा महाराज आप तो भगवान के बहुत निकट पहुंचे थे, उन्होंने बड़ा विनम्रता से जवाब दिया क्या बताऊं आप, उन्होंने लिखा तुम्हें बुलाने को बहुधा सोचा करता हूं, तुम्हें बुलाने को बहुधा सोचा करता हूं, किंतु आज तक आमंत्रण ही रहा अधूरा, किंतु आज तक आमंत्रण ही रहा अधूरा। देखो सचमुच उन्होंने, उनका प्रवचन एक वैसे ऐसा वृक्ष, उनका प्रवचन एक ऐसे वृक्ष का स्वरूप लेता है जिसकी टहनी में एक न एक जीवन तत्व प्रतिष्ठित है। उनकी रामकथा एक ऐसा वृक्ष है जिसकी टहनी में एक न एक जीवन तत्व प्रतिष्ठित है, चाहे वो पारिवारिकता का हो, चाहे वो नागरिकता का हो, चाहे वो धार्मिकता का हो, चाहे राष्ट्रीयता का हो, चाहे मानवीयता का हो। ये कोई साधारण काम नहीं, असाधारण पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। आइए ज्यादा चर्चा न करके उन्हें श्रद्धा से नमन करें, प्रणाम करें, क्योंकि गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता। और वो किसी एक के गुरु नहीं थे, हम कहें मैं उनका शिष्य हूं, मेरे ही गुरु हैं, नहीं, जितने रामचरितमानस से जुड़े हैं सबके गुरु हैं, सदगुरु हैं। और गुरु तत्व कभी समाप्त तो नहीं होता, देह भले ही समाप्त हो जाए, इस रूप में उनकी वंदना करें, प्रणाम करें। और आप सबको इसकी बधाई दूं, आज महाराज जी की जन्मतिथि है और उनकी कृपा और प्रेरणा हम सबको प्राप्त होती रहे। आइए प्रसंग में आ जाए, जो चौपाई चिन्हित किया गया है, सन्मुख मरण वीर के शोभा तब तिन तजा प्राण कर लोभा। इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम विचार करें तभी चौपाई समझ में आएगी। पृष्ठभूमि यही कि प्रथम बार बानर और राक्षसों का युद्ध हुआ, बानर प्रचंड थे, किले में भी घुस गए, मारने भी लगे, वो जो पत्थर फेंकते उसी पत्थर को उठा, चट्टान को उठा के उन्हीं के ऊपर फेंक देते, कई प्रकार की तमस्या। लेकिन जब निशाचर हारने लगे भाग गए, प्राण बचाकर भागे, वहां रावण खड़ा था। रावण ने कहा मैं तुम्हारा इतना एहसान किया हूँ, तुम लोगों को भोग दिया हूँ, व्यवस्था दिया हूँ, तुम्हारे परिवार के ठिका लिया हूँ, अब जब प्राण बच मेरे लिए लड़ने की बारी आई, प्राण बचा के भाग रहे। एक उपदेश देने का प्रयास जब किया रावण ने, तो वीरों को लगा कि जब मरना ही है, रावण ने यहां तक कह दिया अंत में, जो रण विमुख सुना मैं काना, तो मैं मारव कारी कृपा। निशाचरों ने सुना जब मरना ही है तो इसके हाथ से क्यों मरे, तो मरना है तो उसके हाथ से मरे। इसीलिए यहां चौपाई गोस्वामी देते हैं, वीरों को लगता है जब मरना ही है तो सन्मुख मरण वीर के शोभा, इसके हाथ से नहीं मरे। ये वीर की शोभा है मरना, और हमारे नियति में लिखा है, ये जानते ही निशाचर कि हमारे नियति में लिखा है मरना। क्यों? देखो युद्ध की तुलना जुए से की गई है, वैसे युद्ध को अच्छा नहीं माना गया है, आज भी अच्छा नहीं माना जाता, बहुत भीषण नरसंहार होता है, अंतिम उपाय है युद्ध। उस समय भी भगवान श्री राम ने बहुत टालने का प्रयास किया है, अपरिहार्य हो गया तब आक्रमण हुआ है,
जुए में धन की बाजी लगाई जाती है, इसमें प्राणों की बाजी लगाई जाती है। वीर अपने प्राण की बाजी लगाते, अस्त्रों के पासे डाले जाते हैं, तरह तरह के अस्त्र भी, कई प्रकार के अस्त्र की चर्चा मनहरण वर्मा जी ने किया। अस्त्रों के पासे फेंके जाते हैं। ये युद्ध और जैसे खिलाड़ी को नहीं मालूम होता कौन जीतेगा, वैसे ही लड़ने वाले योद्धा को मालूम नहीं होता कि विजय किसकी होगी। नेपथ्य पर है, भविष्य पर है, उद्देश्य पर है। जीतने के लिए भी अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तभी आपकी विजय होगी। आप धर्म की ओर खड़े हैं तभी आपकी विजय होगी। अगर आपका पक्ष कमजोर है तो आपको विजय नहीं होगी। यही तो प्राणों की बाजी लगाना है ना, और योद्धा लगाते ही हैं। युद्ध का अर्थ ही होता है मरना या मारना, या तो मरेंगे या मारेंगे, दो ही काम होगा युद्ध में। जहां क्रूरता होती है, हिंसा होती है, वही ये जीवन मृत्यु पक्ष का भी उद्घाटन करती है। युद्ध में ही मृत्यु पक्ष का उद्घाटन होता है। जीवन के बाद जीवन एक छोर है तो दूसरे छोर पर मृत्यु है। हम जीवन का सम्मान करते हैं, बाजे बजाते हैं, पर मृत्यु का कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन ये वीर योद्धा मृत्यु का सम्मान करते हैं। रणभूमि में सैनिक वास्तव में मृत्यु का ही सम्मान करते हैं। और इसीलिए जाते हैं। पर इसके दर्शन हमें संकेत देता है कि जिस प्रकार हम जीवन का स्वागत करते हैं उसी प्रकार हमें मृत्यु का भी स्वागत करना चाहिए। जिस उत्साह से हम जन्म का स्वागत करते हैं उसी उत्साह से मृत्यु का भी स्वागत करते हैं। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के व्यक्ति कहा गया है। भागवत में सुखदेव जी ने कहा, राजन दो प्रकार के महापुरुष होते हैं जो सूर्य मंडल को भेद करके सदगति को प्राप्त करते हैं। दो प्रकार, एक योगयुक्त परिव्राजक और दूसरा युद्ध में सम्मुख प्राण देने वाला व्यक्ति। यही दो सूर्य मंडल को भेदते हैं। वैसे देखा जाए तो योगी और योद्धा में ज्यादा अंतर नहीं, काम के दृष्टिकोण से देखे बहुत अंतर है, पर दोनों की मन स्थिति बड़ी समान रहती है। ये शरीर से प्राण से ऊपर उठ रहते हैं। हर व्यक्ति शरीर से प्राण से आसक्त है। हर व्यक्ति अपने शरीर को बचाना चाहता है, अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है, और इस शरीर से ही सारे सृष्टि का विस्तार है और जितने संबंध है शरीर के ही संबंध है। इसलिए इस शरीर से अनुराग स्वाभाविक है। रामचरितमानस में भी कहा गया, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। हनुमान जी सब और स्वयं कहते हैं, हनुमान जी सब के देह परम प्रिय स्वामी। तो योगी और योद्धा इस आसक्ति से ऊपर उठे होते हैं, ना उनको देख प्यारा होता है ना प्राणों से प्यार होता है। क्यों? कि इससे भी ऊपर कोई चीज है, देह प्राण के ऊपर भी कोई चीज है, कोई तत्व है, जिसको पाने के लिए देह और प्राण का हम त्याग करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं है, यही है समत्व। गीता में जो समत्व की चर्चा की गई है, योद्धा भी अपने साधन अपने युद्ध के समय समत्व में रहता है और योगी भी समत्व में रहता है। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में जय और पराजय लेके जाएगा वो योद्धा नहीं है,
क्योंकि युद्ध व्यापार नहीं है। प्राण बचाने के लिए योद्धा रणभूमि में से भाग जाए, बारों को तनख्वाह लेने गया है, वो प्राणों को दांव पर लगाते हैं। ये व्यापार नहीं है, वास्तव में ये समर्पण है, जिसमें व्यक्ति सैनिक पूरी क्षमता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ अपने भविष्य की कोई दावा नहीं करता। मैं जीत के आऊंगा ही, ऐसा दावा नहीं कर सकता। मैं झंडे में लिपट के आऊंगा, पर चाहे जीत के आऊं, दो में एक होगा, ये दावा कर सकता है। लंका में भी युद्ध के भूमि में जय पराजय का चक्र चल रहा है। वानर वाहिनी के सामने राक्षस वाहिनी पलायन कर गया, क्यों? कि वानरों के पास उद्देश्य था, उनको मालूम था हम युद्ध लड़ रहे हैं महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पक्ष न्याय का पक्ष है, हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है। जब उद्देश्य मजबूत होता है तो उत्साह बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। वानरों का आत्मबल बढ़ा हुआ है, और जब युद्ध में पवित्रता हो तो औचित्य अनौचित्य का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, उत्साह स्वयं आगे बढ़ाते हैं। बंदर तो प्रेरणा प्राप्त, बंदरों को प्रेरणा प्राप्ति थी, उनको कहा गया हम ये युद्ध मैथिली को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, रावण ने अपहरण कर लिया है और ये कार्य बहुत बड़ा है। सुग्रीव ने भी उत्प्रेरक भाषण दे दिया था, सुनहु नील अंगद हनुमाना अजाम वंत मति धीर सुजाना सकल सुभट मिलि दक्षिण राहु और सीत ही सुधि सुधि पूछे हु सब काहु मन क्रम बचन सो जतन बिचारे हु और राम चंद्र के काज सवारे हु भानु पीछे से उर आगी और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी तजी माया से ये परलोका अमित ही सकल भव संभव शोका और देह धरे कर यह पल भाई अभजिय राम सब काम बिहाई और सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी अजो रघुवीर चरण अनुरागी। सुग्रीव को भाषण और बंदरों को राम जी का सानिध्य प्राप्त था, राम जी का दर्शन था, उत्साह वर्धन राम जी करते थे, सब भगवान के शील स्वभाव के वश। अखिल ब्रह्मांड नायक होने पर भी ये किस प्रकार हम लोगों से बात करते हैं। और युद्ध में अंगद और रावण की, अंगद और हनुमान की सफलता इन बंदरों की उत्साह को 100 गुना बढ़ा दिया था। ये वानर अप्रशिक्षित थे, युद्ध कला इनको ज्ञात नहीं था, इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और रावण के सैनिक प्रशिक्षित, उनके पास अस्त्र शस्त्र सभी हैं। उसके बाद भी ये हार रहे हैं, बंदरों का उत्साह बढ़ा हुआ है। राम प्रताप प्रबल कपिजू था अमर दहीचर सुभट बरू था चढ़े दुर्ग पुनि जहां तहां बानर चढ़े दुर्ग पुनि जहां तहां बानर अजय रघुवीर प्रताप दिवाकर। ये भागे बिचारे, जैसे वायु के प्रबल प्रताप से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे रावण की सेना छिन्न भिन्न हो। तब एक प्रश्न पैदा होता है, तो रावण की सेना कायरों की सेना है क्या? कायरों की फौज रावण ने इकट्ठा कर लिया था क्या? वे भी जीतने के लिए लड़ रहे थे, वे भी जीतने के लिए लड़ रहे थे, पर औचित्य अनौचित्य का प्रश्न उन्होंने जरूर खड़ा किया था। वे जानते थे रावण ने पराई स्त्री का बलात् अपहरण किया है,
अधर्म का है। किसी की ब्याहता का अपहरण करना, ये निशाचर भी समझते थे। रावण विभीषण ने उचित सलाह दिया, इनको वापस कर दो, भेजे ही युद्ध अपने आप युद्ध समाप्त हो जाएगा।